फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आप है एक्सेल कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो ट्रिपल सी एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स है। अगर आपको 15 से 20 मार्क्स फिक्स करने हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मिस्टेक्स आपको यहाँ पर समझ में आती हैं वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आसानी से आप सभी वीडियोस को देखते रहे। इस वीडियो के लिए हमारे पास कमेंट किया था अपूर्वा जी ने। अपूर्वा जी ने लिखा था कि सर नेम और फाउंडर का एक वीडियो बना दीजिए प्लीज। आप सभी ने देखा कि सितंबर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे नेम एंड फाउंडर के, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, अमेजॉन के फाउंडर कौन है ना, ऐसे ही अलीबाबा के फाउंडर कौन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सितंबर में पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही नेम और फाउंडर कि किस ऐप के फाउंडर कौन है और साथ ही साथ उन ऐप रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, क्लासेस की जो टाइमिंग है वो हमारी 3 क्लासेस हैं, मॉर्निंग में 7 बजे, एक दूसरी क्लास मॉर्निंग में 10 बजे और तीसरी क्लास है इवनिंग में 8 बजे। तो आप हमारे इन तीनों क्लासेस को जरूर अटेंड किया करिए क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली क्लास में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, हरियाणा एचएससी, सीपीयू एसआई। अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉर्निंग 7 बजे की क्लास को आप जरूर अटेंड करिए। मॉर्निंग में ही 10 बजे और शाम को 8 बजे ये दोनों क्लासेस ट्रिपल सी की क्लासेस होती हैं, खासकर ये ट्रिपल सी के लिए स्पेशल क्लासेस हैं। इसमें आपको 10 बजे आपको पर डे ट्यूटोरियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल में हर एक चीज मिलेगा और हर शाम को आपको ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज मिलेगी। तो इन दोनों क्लासेस को आप विजिट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम टॉप करना है तो दोनों क्लास आपको देखना ही होगा। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक के फाउंडर आप सभी जानते हैं कौन है, मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के फाउंडर। देखिए इंसिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि फेसबुक चलाने की मिनिमम उम्र कितनी है। हर क्वेश्चन के लिए यहां पर भी 3 सेकंड की टाइमिंग होगी। उस 3 सेकंड की टाइमिंग में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन सभी के राइट आंसर देना है। ये कंपलसरी है, राइट आंसर देना है क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। फेसबुक चलाने के लिए मिनिमम उम्र कितनी होती है? राइट आंसर आ भी चुका है। फेसबुक चलाने की मिनिमम उम्र है आपकी 13 साल, ठीक है ना। अगर 13 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा है फेसबुक चलाता है तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फेसबुक पर एक साथ कितनी वीडियो या फिर फोटो भी हो सकता है, फेसबुक पर एक साथ कितनी वीडियो या फोटो अपलोड कर सकते हैं? जी हाँ, राइट आंसर इसका 30। फेसबुक पर चाहे आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार में आप मैक्सिमम 30 फोटो या वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आप कंबाइन कर लें या चाहे अलग अलग कर लें फोटो या वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं? इन वीडियो में वही क्वेश्चंस हैं जो सितंबर एग्जाम में पूछे गए थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इनसे बहुत सारे नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं। क्या फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है ना। ट्रू के लिए हम टी लिखते हैं, बिल्कुल ट्रू है। आगे, फेसबुक किसका उदाहरण है? जी हाँ, फेसबुक आपका सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। तो यहां से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके हो गए, 5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, उसकी मिनिमम उम्र कितनी है, एक साथ कितनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, फेसबुक किसका उदाहरण है। 5 नंबर यहां से फिक्स होते हैं। अगर इनमें से आपके 2 क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं तो 2 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स है। अब आगे देखिए, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? केविन, ठीक है ना, केविन स्टॉर्म इसके फाउंडर हैं, याद रखिएगा क्योंकि सितंबर में बहुत ही ज्यादा फाउंडर नेम पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? जी हाँ, इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है, याद रखिएगा। इंस्टाग्राम आपका किससे संबंधित है? फेसबुक से संबंधित है, कई बार सितंबर में पूछा गया था। नेक्स्ट है,
इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। अगस्त में भी खूब पूछा गया, सितंबर में पूछा गया और कई बार हमने इसे डिस्कस भी किया, जल्दी से बताइए। जी हाँ, राइट आंसर इसका 60 सेकेंड या फिर एक मिनट, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने 60 सेकेंड लिखा और बहुत सारे लोगों ने एक मिनट लिखा, दोनों एक ही चीज है, 60 मिनट लिखिए या फिर एक मिनट। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्विटर। देखिए ट्विटर कई सारे लोग हैं, इन्होंने मिलकर किया था, जैक डॉर्सी, नो ग्लॉस, बिज स्टोन एंड इवन विल्सन, ठीक है ना। इन सभी ने मिलकर ट्विटर का आविष्कार किया था, चारों हैं, ठीक है ना। किसी का भी नाम याद रख लीजिए, इनमें से कोई भी एक नाम आपके एग्जाम में आएगा और बाकी सभी रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। सभी एक साथ नहीं देगा, इनमें से चार में से कोई एक ही आपके ऑप्शंस में होगा, तो इन चारों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्विटर किसका उदाहरण है। जी हाँ, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइक्रो ब्लॉगिंग, ठीक है ना, या माइक्रो ब्लॉग भी हो सकता है। नेक्स्ट, ट्विटर का प्रतीक क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमने आपके साथ डिस्कस किया है, ट्विटर का प्रतीक क्या है, है ना। अर्थात ट्विटर यूज करते हैं तो उस पर किसका सिंबल बना होता है। राइट आंसर, ट्विटर का प्रतीक होता है उड़ती हुई चिड़िया। आप सभी देखते हैं ब्लू कलर में व्हाइट कलर से बनी होती है एक चिड़िया उड़ती हुई, ठीक है ना, तो वही ट्विटर का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर में कितने कैरेक्टर्स लिखकर ट्वीट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी हाँ, कई सारे लोगों ने दो आंसर दिए हैं, इसका 140 भी दिया है और यहां पर 280 भी दिया है। अब इन दोनों में क्या क्लियर होगा वो भी यहां पर क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों आंसर सही है, 140 भी सही है और 280 भी सही है, तो दोनों कैसे सही हो सकते हैं ये भी देखिए। देखिए पहले जो लिमिट थी वो थी 140, और कुछ कंट्रीज में अभी भी 140 ही लिमिट है, और 2017 के बाद से इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है 280, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है सितंबर में खासकर, कि जो क्वेश्चन आया है ट्विटर में कितने कैरेक्टर्स लिखकर ट्वीट कर सकते थे, तो वहां पर ऑप्शन में 280 था ही नहीं, ऑप्शन में सिर्फ 140 ही था, ठीक है ना। तो जब ऑप्शन में 280 दिया होगा तब आप 280 को टिक करेंगे, अगर ये नहीं देता है तो आप 140 को ही टिक करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर 140 कैरेक्टर्स ही ट्वीट करने की लिमिट है। और क्यों इसकी लिमिट को बढ़ाया गया और क्यों इसकी लिमिट कम रखी गई थी ये भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कि ट्वीट के लिए लिखते थे लेकिन उसे ट्वीट नहीं करते थे, ठीक है ना, तो इसलिए उसकी लिमिट को घटाया भी गया था और बढ़ाया भी गया 2017 के बाद में। तो दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, जब 140 दिया हो तब इस पे टिक और 280 दिया है तो इस पे टिक। अब आगे नेक्स्ट देखिए, क्या ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी, बिल्कुल सही है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग या माइक्रो ब्लॉग का ही एक उदाहरण है, ठीक है। ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो भी सही है, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट, क्या ट्विटर का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आया था कि सभी आम लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ट्विटर का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर एक नॉर्मल इंसान, हम सभी लोग ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहां पर आईडी बनानी होगी ट्विटर पे, और उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। आप ट्वीट भी कर सकते हैं, दूसरे के ट्वीट्स को आप रिट्वीट भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, आप अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने वहां पर रख सकते हैं, ठीक है ना। जितने ज्यादा आपके फॉलोअर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी बात बढ़ेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं अमेजॉन। अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, ये सभी फाउंडर सितंबर में पूछे गए थे, ठीक है ना, तो जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। अमेजॉन आपकी एक ई कॉमर्स साइट होती है जहां पर आप कोई सामान परचेज भी कर सकते हैं और अपना सामान बेच भी सकते हैं, ठीक है ना। तो B2C का उदाहरण है, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है ना, यहां पर आप खरीदिए भी और बेचिए भी, ठीक है। अब आगे पेटीएम। पेटीएम किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो विजय शेखर शर्मा के द्वारा डेवलप किया गया था पेटीएम को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेटीएम, विजय शेखर शर्मा। अब यहां पर देखिए पेटीएम का आविष्कार कब हुआ। जी हाँ, राइट आंसर आ चुका है, पेटीएम का आविष्कार हुआ था 2010 में। कब हुआ था, 2010 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेटीएम का आविष्कार कहां हुआ। जी हाँ, बहुत लोगों ने आंसर दिया है, थैंक्स यू, नोएडा में हुआ था पेटीएम का आविष्कार। कहां हुआ था, नोएडा में। नोएडा कहां है, दिल्ली के पास है। दिल्ली कहां है, भारत में। अर्थात पेटीएम का आविष्कार कहां पर हुआ था,
इंडिया में हुआ था पेटीएम का आविष्कार, याद रखिएगा इंडिया। अब नेक्स्ट, भारत का पहला ई वॉलेट कौन सा है? भारत का पहला ई वॉलेट कौन सा है? तो पेटीएम ही भारत का पहला ई वॉलेट है, याद रखिएगा पेटीएम, ठीक है ना। सबसे पहले 2010 में पेटीएम डेवलप किया गया, तभी से इसका यूज होता है और प्रेजेंट टाइम पर भी सबसे ज्यादा यूजर्स अगर किसी भी ई वॉलेट के हैं तो वो है पेटीएम। अब आगे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के फाउंडर हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्ट, ठीक है ना। ये दोनों लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप को बनाया था, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप का प्रेजेंट टाइम पर यूज भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम 256 256 लोगों को ऐड किया जा सकता है, याद रखिएगा 256 लोगों को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे, क्या व्हाट्सएप स्टेटस को फेसबुक स्टोरी बनाया जा सकता है? ये नया क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। क्या व्हाट्सएप स्टेटस को फेसबुक स्टोरी बनाया जा सकता है? न्यू क्वेश्चन है क्योंकि अभी जल्दी में अपडेट एक ऐसा आया है, जल्दी से आप बताइए। बिल्कुल ट्रू है, एक नया अपडेट आया व्हाट्सएप का, जो भी व्हाट्सएप यूज करते हैं अगर आप फेसबुक स्टोरी सॉरी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं तो नीचे वहां पर शेयर का सिंबल बना होता है और सामने लिखा होता है फेसबुक स्टोरी। तो जो भी आप स्टेटस लगा रहे हैं उसे आप अपनी फेसबुक स्टोरी पर भी शेयर कर सकते हैं। न्यू अपडेट है और नया क्वेश्चन है, अक्टूबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे अपडेट्स मिलते रहते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन भी अपडेट होते रहते हैं, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल ट्रू है। अब आगे देखते हैं, टेलीग्राम, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? पावेल डुरो। दो फाउंडर इसके हैं, एक है निकोलाई ड्रव और पावेल डुरो, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में पावेल डुरो ही आता है, तो आप इसे याद रखिए, पावेल डुरो और निकोलाई ड्रव भी आता है, दोनों भाई भाई थे, दोनों लोगों ने मिलकर टेलीग्राम का आविष्कार किया था। आप टेलीग्राम से जो क्वेश्चन आते हैं उनको देख लीजिए। टेलीग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार हमने आपके साथ में डिस्कस किया है कि टेलीग्राम को हिंदी में क्या कहा जाता है। टेलीग्राम को हिंदी में तार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तार, ठीक है ना, तार कहा जाता है टेलीग्राम को हिंदी में, याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है तार। नेक्स्ट, टेलीग्राम किसका उदाहरण है? यहां निम्न लिखा हुआ लेकिन निम्न में कुछ दिया ही नहीं, तो टेलीग्राम किसका उदाहरण है डायरेक्टली आप इसको बताइए। राइट आंसर है टेलीग्राम उदाहरण है इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है ना, आईएम का उदाहरण है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आता है कि आईएम का फुल फॉर्म क्या है, तो आईएम का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टेंट मैसेजिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या टेलीग्राम पर आप अपना चैनल बना सकते हैं, अर्थात सभी लोग टेलीग्राम पर अपना चैनल बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है, टेलीग्राम पर सभी लोग अपना चैनल बना सकते हैं। आप टेलीग्राम यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कैसे आप अपना चैनल बना सकते हैं। अब आगे, अलीबाबा के फाउंडर कौन हैं? तो अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मॉ। कौन है? जैक मॉ है अलीबाबा के फाउंडर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं भीम ऐप और उमंग ऐप के बारे में, ठीक है ना, ये भी आपकी ई कॉमर्शियल साइट है अलीबाबा। भीम ऐप और उमंग ऐप, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीम ऐप की शुरुआत कब हुई? भीम ऐप की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से बताइए। राइट आंसर इसका 30 दिसंबर 2016 को, ठीक है ना, याद रखिएगा 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप की शुरुआत हुई थी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? जी, भीम ऐप का पूरा नाम है भारत इंटरफेस मनी, ठीक है ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इंटरफेस यहां पर नोट डाउन कर दे रहे हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है भीम ऐप का फुल फॉर्म, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है और खूब पूछा आता है। फिर है, भीम ऐप किसके द्वारा जारी किया गया?
राइट आंसर इसका एनपीसीआई, एनपीसीआई के द्वारा जारी किया गया था भीम ऐप, ठीक है ना, भारत सरकार की एक संस्था है एनपीसीआई। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है वो भी बताइए जल्दी से। जी हाँ, राइट आंसर इसका आ चुका है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन पूछते हैं जल्दी से आप कमेंट करके आंसर दिया करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत की एक संस्था है, इसी ने भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। भीम ऐप जो नाम है वो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया था। इसमें क्या है, क्या यूज होता है आगे बताते हैं आपको। भीम ऐप को किस लिए जारी किया गया, तो भीम ऐप को अकाउंट टू अकाउंट डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने के लिए जारी किया गया था, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट, भीम ऐप के द्वारा एक बार में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। जी हाँ, राइट आंसर आ चुका है, भीम ऐप के द्वारा एक बार में आप 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कितना, 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन आप एक बार में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम ऐप के द्वारा एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, वो था एक बार में, अब यहां पर है एक दिन में, अर्थात 24 घंटे में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, राइट आंसर आ चुका है, भीम ऐप के द्वारा एक दिन में 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। कितना, 40,000, एक बार में 20 और दिन भर में 40। नेक्स्ट है, उमंग ऐप की शुरुआत कब हुई, उमंग ऐप की शुरुआत कब हुई थी, कई बार बता भी चुके हैं हम, 23 नवंबर 2017 को, कब हुई थी, 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप की शुरुआत हुई थी। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। अब है, उमंग ऐप में एन क्या प्रेजेंट करता है, तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब यहां पर एन क्या प्रेजेंट कर रहा है आपका, एन प्रेजेंट करता है न्यू एज को, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि उमंग ऐप में एन क्या प्रेजेंट करता है, तो ये प्रेजेंट करता है न्यू एज को, क्योंकि उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जितने भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस और फाउंडर बताए हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस सितंबर में पूछे गए थे, तो ये पूरा आप रट लीजिए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, और टेलीग्राम पर भी आप पढ़ रहे आपको पीडीएफ मिल रही है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर ब्लॉग की भी लिंक दी है, तो ब्लॉग पर आप विजिट करके वहां पर इन सभी को आप पढ़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।